ये जो देश देख रहे हैं मैप में तुर्की, ये तुर्की अब ये कह रहा है कि ये अब अपना नाटो बनाएगा और उस नाटो में कौन कौन से देश शामिल होंगे, क्या अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त करेगा और नाटो बनाते ही पहला हमला तुर्की का किसके ऊपर हो सकता है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत चाइना बॉर्डर पर 6 सैनिक मारे गए हैं, ग्लोबल टाइम्स ने आखिरकार इसको लेकर क्या खुलासा किया है, जानेंगे भारत और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, वो भी ऐसे समय में जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपना फटा सीए नहीं और दूसरे के फटे में टांग अड़ाए, ऐसा ही कुछ हो रहा है तुर्की के साथ। तुर्की ने यहाँ पर अब सीधे सीधे पंगा लिया है इजराइल के साथ। इससे पहले भी तुर्की खलीफा बनने के चक्कर में इजराइल को यह कह चुका था कि हम तुम पर हमला कर सकते हैं। नेतन्याहू को कई सारी बातें कही, आतंकवादी हो और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने कह दी थी। तुर्की और इजराइल के बीच में एक समय रिश्ता अच्छा था, दोनों के बीच में व्यापार होता था, लेकिन अभी यह रिश्ता बहुत खराब हो गया है। क्यों खराब हो गया है? अब एक लड़की जिसकी मृत्यु के बाद मामला और भी ज्यादा गहरा गया है इजराइल और तुर्की के बीच में, और ये मामला इतना गहरा गया है कि अब तुर्की का ये कहना है कि हम अपना अलग नाटो बनाएं, इजराइल से अगर निपटना है तो एक हो जाएं इस्लामी देश। यहाँ तक कि तुर्की के अर्दोगन दुश्मनों से हाथ मिलाने को भी तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन ने शनिवार को इजरायली विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। उनका ये बयान उस घटना के बाद आया जिसमें इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर 24 साल की तुर्क अमेरिकी महिला को मार गिराया। कहा जा रहा है इस्तांबुल के पास एक इस्लामी स्कूल संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अर्दोगन ने कहा, इजरायली अहंकार लूट उसके आतंकवाद को रोकने का एकमात्र तरीका है इस्लामिक देशों की एकता। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की ने हाल ही में मिस्र सीरिया के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इजरायली विस्तारवाद के खतरे के खिलाफ हमें एक होने की जरूरत है। अर्दोगन ने इजरायल को लेबनान के लिए, सीरिया के लिए खतरा बताया। वैसे आपको बता दूं, मिस्र और तुर्की में पहले कभी पटता नहीं था, लेकिन हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ ये मिले, बातचीत भी कर रहे हैं। काफी लंबे समय से अर्दोगन खलीफा बनना चाह रहे हैं और अर्दोगन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला ले और ताकतवर होकर इजराइल को दबाएं, जैसे कि कभी सीरिया के साथ भी बहुत खराब संबंध थे तुर्की के। 2011 से दोनों के बीच में बिल्कुल तनाव था, लेकिन अब यहाँ दोस्ती कर रहे हैं। मिस्र के साथ भी 2013 से इनकी दुश्मनी थी और ये दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को हटा दिया गया था। उसके बाद सऊदी अरब की बात करें तो तुर्की और सऊदी अरब के बीच भी तनाव 2017 में शुरू हुआ था। UAE और तुर्की के बीच में भी खटास रहे थे, पर अब ये चाहते हैं कि सारे मिल जाएं और एक हो जाएं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मुस्लिम देशों के साथ इनका तनाव रहा है। इनको माना जाता है एक ऐसा देश जो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। नाटो के ये मेंबर होते हुए भी अपने विस्तारवाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते रहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, सीरिया में हमला करना हो, लीबिया में हमला करना हो, इराक में हो, अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया के क्षेत्रों में हो, ग्रीस पे हो, तो इनका भी रवैया आक्रामक दिखता है। ऊपर से इनके खलीफा बनने की चाहत ने मिडिल ईस्ट के देशों में दुश्मन खड़ा कर दिया है। जब इन्होंने ये बात कही तो इजराइल का रिप्लाई क्या था, द यरूशलम पोस्ट में ये रिपोर्ट देख सकते हैं। मुस्लिम कंट्री आंसर नहीं करने वाले हैं अर्दोगन के कॉल फॉर यूनिटी का, यानी एक होने का कोई आंसर नहीं देने वाले हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या तुर्की इजराइल पर हमला कर देगा। हालांकि आपको बता दूं, इस मौत के बाद तुर्की इजराइल पर हमला कर देगा ऐसा चांस बहुत कम नजर आ रहा है। ईरान के बारे में भी पहले यही कहा गया कि ईरान हमला कर देगा, हालांकि ब्रिटिश जासूस अभी भी मानते हैं कि ईरान हमला कर सकता है। एक बार अमेरिका के वॉर इलाके से हट जाएंगे तो ईरान यहां पर हमला कर सकता है, पर ईरान अभी जो कुछ भी कर रहा है कथित तौर पर गुपचुप ही कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कुछ ईरान के कमांडर बताते हैं कि वो इजराइल के जहाजों पर कैसे हमला कर रहे हैं, जो तेल के जहाज
जहाज हैं, पहले इसराइल हमला करता था अब ये हमला कर रहे हैं, वो 12 इजरायली पे कर रहे हैं तो 14 ईरानियों पर, ईरानी सिप पर इसराइल कर रहा है। कुछ इस तरीके की लड़ाइयां चल रही है लेकिन एक पूर्ण युद्ध नहीं चल रहा है। तो इसराइल से सीधे सीधे पंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि ये भी जानता है तुर्की कि नाटो, जिस नाटो में वो शामिल है, शायद उसके लिए आर्टिकल 5 एक्टिवेट न हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब धीरे धीरे तुर्की उन सारे जगहों पर पहुंच रहा है जो वेस्टर्न देशों की यानी पश्चिमी देशों की नब्ज हुआ करती है। जैसे कि बात करें अमेरिका, अमेरिका का डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा पैसे देता है, हथियार बेचता है। तुर्की अब 11वां सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। अब तुर्की के पिछले साल डिफेंस एक्सपोर्ट में 25% की बढ़ोतरी हुई है और GCC के देशों को तुर्की बहुत ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर रहा है। कहा जा रहा है, कुछ आर्टिकल भी इस तरीके के पब्लिश हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुर्की पहले क्लाइंट था वेस्टर्न देशों का, लेकिन अब ये क्लाइंट नहीं रह गया है बल्कि अब ये कॉम्पिटिटर बन गया है। तो एक जख्म तो वेस्टर्न देशों को तुर्की यहाँ पर दे रहा है। दूसरा, इस आर्टिकल को देखिए, अफ्रीका में पश्चिमी देश भी अच्छा खासा माल छान रहे थे लेकिन अब यहाँ पर भी नाटो के फ्यूचर एंगेजमेंट को लेकर तुर्की समस्या खड़ी कर रहा है। तुर्की यहाँ पर भी घुसने की कोशिश कर रहा है। तुर्की कई बार नाटो को ब्लैकमेल भी कर चुका है। ऐसे में नाटो संभवतः वो मदद ना करे जो मदद तुर्की ढूंढ रहा होगा। और हाल फिलहाल में तो तुर्की ने ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात कही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि तुर्की को मदद मिलने से रहे है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर आ रही है बॉर्डर से। वैसे आपको बता दूं, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो, शांति की प्रार्थना करो लेकिन युद्ध के लिए तैयार रहो, अपनी सेना को इस बात को कहा था। इसके बाद ही देखने को मिल रहा है कि PLA की तरफ से एक आर्टिकल आया है ग्लोबल टाइम्स में, और इसमें क्या लिखा हुआ है, PLA ने उस र्यूमर को खारिज कर दिया है जिस र्यूमर में ये कहा गया कि चाइना भारत बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और 6 चीनी नागरिक मारे गए हैं। मामला क्या है, चाइना की सोशल मीडिया वीवो में कथित तौर पर एक वीडियो पब्लिश हो रहा है जिस वीडियो में ये दिखलाया जा रहा है कि बॉर्डर पर लड़ाई हुई है और 6 चीनी नागरिक मारे गए हैं या चीनी सैनिक मारे गए हैं। इन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे बीच में शांति की बात चल रही है और ये जो वीडियो है ये वीडियो गलत वीडियो है, आप लोग ऐसा करना बंद करिए। सोशल मीडिया में आप कुछ भी डाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कानून नहीं है, यहाँ कानून है। ये अपने ही लोगों पर भड़के हैं और ये बोल चुके हैं कि ये जो वीडियो है ये गलत है, दुश्मनी बढ़ाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में सब बढ़िया है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।